नगर पालिका परिषद बलिया क्षेत्र यानी भिरगू क्षेत्र में हमें लगता है कि नगर पालिका परिषद बलिया के अधिकारियों को, जिम्मेदार लोगों को शहर के प्रमुख चौराहों पर विशेष ध्यान देना होगा। वैसे ये देखा जा रहा है कि प्रमुख चौराहा जो है, चाहे चित्तू पांडे चौराहा हो या एससी कॉलेज चौराहा हो या कुंवर सिंह चौराहा हो या मिड्ढी चौराहा हो या फिर कदमतर चौराहा हो या ऑक्टेनगंज चौराहा हो, जो भी चौराहे हैं शहर के मुख्य सिटी में, उस चौराहों पर नगर पालिका परिषद का विशेष ध्यान होना चाहिए। और इसलिए होना चाहिए कि देखा जाता है अक्सर चौराहों पर अतिक्रमण होने के कारण गाड़ियों का आवागमन पूरी तरह से जाम में फंसता है, आम जनता भी उसी जाम में परेशान रहती है, चाहे एम्बुलेंस हो, चाहे पुलिस की गाड़ी हो या सरकारी या प्राइवेट वाहन हो, सभी जाम में फंसते हैं। हम देखते हैं बिश्नीपुर चौराहे पर एक भारी जाम लगता है। चित्तू पांडे चौराहे की स्थिति यह है कि वहाँ खुला नाला, जब जब कोई जाम की स्थिति बनती है, जब वैसे भी वो जाम इसलिए लगता है कि जब जैसे रेलवे क्रॉसिंग का फाटक गिरता है, बंद होता है, तो वाहनों की लंबी लाइन लग जाती है। बात करें तो चित्तू पांडे चौराहा से अब रेलवे स्टेशन पूरी लाइन जाम में रहती है, बहेरी की पूरी लाइन जाम में रहती है, बिश्नीपुर मस्जिद की तरफ पूरी तरह से जाम में रहती है, और रोडवेज और टीडी कॉलेज चौराहे की तरफ से भी जाम की स्थिति बनी रहती है। ऐसी स्थिति में हर भी छोटा बच्चा हो या स्कूली बच्चा हो या कोई भी हो, वो शॉर्टकट रास्ते से अपने आप को निकालते हुए अपने मंजिल की तरफ जाना चाहता है, लेकिन चित्तू पांडे चौराहा पर खुला नाला खतरे को दावत दे रहा है। नगर पालिका परिषद को उस पर ध्यान देना चाहिए, आए दिन खतरा बना रहता है। आखिर क्यों, आखिर जब खुला नाला है तो उस पर पटिया स्लिप क्यों नहीं लग पा रहा है? बार बार अपने वीडियो के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से ये बताया जा रहा है, लेकिन नगर पालिका परिषद हमें लगता है कि सो रही है। इसलिए नगर पालिका के जिम्मेदार लोगों से मेरा खासतौर पर जिला प्रशासन से निवेदन है कि चौराहों पर विशेष नज़र रखें, यदि अतिक्रमण है या किसी ने कर रखा है तो उसको जितना जल्दी हो खाली हो, और जो भी समस्याएं हैं जनता से जुड़ी, जो भी समस्याएं हैं जैसे खुला नाला है और भी जो भी समस्या है, उसका तत्काल निदान हो, ताकि जाम की स्थिति से लोग निजात पाएँ और ख़तरों से भी वो लोग बच सकें। फिर हम आपसे जुड़ेंगे, तब तक के लिए इतना ही, जुड़े रहें बलिया आजकल से। मैं रोशन जायसवाल, नमस्कार।